So this is cheesy pasta on the plate thing. So guys, dish अच्छा लगा, मैं खाते खाते बोल रहा हूँ यार, बहुत टेस्टी है. तो आज हम बनाने वाले हैं क्या? हम बना रहे पास्ता. पास्ता. And garlic bread. Garlic bread. And chili chicken को चिकन. And the chili chicken. Some. Okay. So pasta भी हम डाल रहे हैं. So पास्ता हमने पैकेट से निकाल के डाल दिया, अभी इसको हम ओके. तो पास्ता सॉल्ट और विद ऑलिव ऑयल. पास्ता हमने भिगो दिया, गैस पे रख दिया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा नमक दे दिया हमने, राइट. तो उससे क्या होगा कि वो चिपकेगा नहीं ना. और इसका पास्ता का ब्रॉथ भी यूज करेंगे. अच्छा, इसका ब्रॉथ भी यूज करोगे? हाँ. तो सॉन्ग तो लोगे तभी आएगा आवाज़. पास्ता का ब्रॉथ भी यूज करेंगे तो इसलिए काम. ओके, तो चलिए ये अभी यहाँ पे बॉईल हो रहा है, तो बटर और मैदा डाल के हम इसको फ्राई करेंगे. और यहाँ पे डालेंगे दूध. ओके, सच्ची मुच्ची ज़्यादा गर्म हो चुका है. ज़्यादा गर्म ठीक है, आप दिल खोल के बात कर सकते हो. दिल खोल के बात करेंगे. हमारा शेफ बना रहा है. ये बटर एंड मैदा डाले थे हम, राइट. बटर, मैदा, दूध. और अभी दूध डाल के उसको हम एक पेस्ट बनाएंगे, ग्रेवी बेसिकली. बेसिकली ओके, पास्ता हमारा रेडी हो चुका हुआ, बॉइल हो चुका हुआ है. बस इसके बाद हम जूम आउट करेंगे. बिल्कुल मस्त बन रही है वाला ग्रेवी. इसे ग्रेवी बना दी है ज़्यादा हाई जो क्लॉथ इसको निकाल. ओके, गुटली गुटली जो बन जाती है बेसिकली. ज़्यादा थोड़ा दूध डालेंगे. ओके, दूध डाल दिया और थोड़ा सा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आपको ग्रेवी वगैरह चाहिए, राइट. नहीं वो बात नहीं होता, ये क्लॉथ जाना चाहिए. क्लॉथ जब नहीं जाएगा तो डालना पड़ेगा. ओके, ये जो क्लॉथ है बेसिकली वो जाना चाहिए. दिख रहा है थोड़ा? यस, छोटे छोटे. ओके, पेज थोड़ा बन गया है तो थोड़ा फ्लेवर देंगे. गार्लिक गया हमारा, ये वाला गार्लिक गया. गार्लिक को हमने क्रश कर लिया था, आपके ऊपर है कि आप क्या कैसे करते हो. मैंने हमने क्रश कर डाला. थोड़ा सॉल्ट. सॉल्ट एज पर द टेस्ट. साथ साथ में सर क्या मैं इसको हिलाते चलो थोड़ा थोड़ा. ओके, शब जैसे बोलेंगे. अच्छा खासा ऑलिव ऑयल. ब्लैक पेपर. ओके, थोड़ा मिक्स्ड हर्ब्स. मिक्स्ड हर्ब्स चाहेंगे. ओके, अच्छा खासा मिक्स्ड हर्ब. ओके, मसाले फ्लेवर तो उसी का आएगा. नहीं बहुत सॉस भी बहुत ज़्यादा है अभी ये थोड़ा सा सॉस जो है ठीक हो रहा है. वो सॉस बन चुका है. सॉस बन चुका है. सॉस सॉस बन चुका हुआ, पानी नहीं रहा अभी. तो इसको हमने कर दिया. ठीक भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा स्टॉक डाल. ठीक है, थोड़ा सा स्टॉक डाल के क्योंकि अभी और पकेगा ना. अगर अभी से इतना थिक हो गया फिर बाद में जाके हाँ चिपक जाएगा, ज़्यादा चिपक गुई बन जाएगा. गुई हो जाएगा. तो इस बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख लो. नहीं सॉ ऑब्वियसली पानी नहीं बनना है, बट इवेंचुअली जाके तो थोड़ा अभी तो इसको बेसिकली बिल्कुल बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको, ताकि ज़्यादा गुई भी ना हो. एंड अभी थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया. हाँ, ताकि थोड़ा कुक करे तो उसको प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो अभी दिस इज गुड. तो अभी हम लोग पास्ता डाल सकते हैं. अभी इसके अंदर क्या क्या पास्ता डाल देंगे? ओके, सो ये हमारा जो पास्ता ने जो बॉइल किया हुआ था वो इसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे. सो हियर इट गोस. तो पास्ता इसलिए मैंने ज़्यादा सॉल्व किया था क्योंकि पास्ता बहुत ज़्यादा है. पास्ता भी ज़्यादा उनकी क्वान्टिटी हिसाब से वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना वो करना है. ठीक है, अभी इसको हल्का हल्का मिक्सअप करेंगे. और यहाँ पे हमने साथ में स्टॉक वाटर रखा हुआ है, इसको पूरा फैन किए मत, बिकॉज यू विल नीड इट, राइट. कभी भी जरूरत पड़ सकती है आप उसको आराम से. अभी आज जैसा मिक्सअप कर रहे हैं फ्लेवर रहता है. या असल फ्लेवर तो उसी के अंदर रहता है. नमक, ऑलिव ऑयल और पास्ता का जो ऑथेंटिक पास्ता का फ्लेवर रहता है पास्ता स्टॉक से आता है. ये जो मैं व्हाइट सॉस पास्ता, दिस इज व्हाइट सॉस पास्ता. एक्चुअल व्हाइट सॉस में वो नहीं जाता, मैदा नहीं जाता. इट्स प्योर पास्ता स्टॉक. सो गुड. नाउ यू कैन ऐड द सॉल्ट एज पर द टेस्ट. नमक कम बहुत ही ज़्यादा. ओके, ब्लैक पेपर. सो इसके अंदर शुड आई होल्ड इट? यस प्लीज. ओके, इसके अंदर हम डाल रहे हैं. अच्छा, तो मेयोनीज. मेयोनीज ढेर सारा. दिस इज कॉल्ड पास्ता मेयोनीज. तो फिर हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि अच्छा टेस्ट है. ओके, अच्छा टेस्ट के लिए आप मेयोनीज डाल सकते हो. सो इट्स अ टिप और अ चीट कोड बेसिकली, राइट.
वाइट सॉस के अंदर, तो वाइट सॉस के अंदर आप मेयोनीज डाल सकते हो, इट विल एनहांसेस द टेस्ट, राइट? पर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाँ, वो तो डिपेंड करता है क्या टेस्ट करना, डिपेंड नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं डालना। और इसके बाद आ रहा है द किंग ऑफ द वाइट सॉस, द मेन, दैट इज चीज, असली चीज, द चीज दैट इज मोज़रेला, राइट? मोज़रेला एंड चीज़, शेडर चीज़, दोनों मिक्स। ओके, मोज़रेला एंड शेडर चीज़, ये हम ढेर सारा, बल्कि एक और रिक्वायरमेंट, वैसे चीज़ की रिक्वायरमेंट कुछ होती नहीं है, जितना डालो उतना कम होता है, ज़्यादा हमने डालना चाहिए, तो ढेर सारा हमने चीज़ डाल दिया इसके अंदर। और ये लड़का हमारा बंद है कि गैस हमेशा धीमी आंच पे रख के करना है, और जैसे होगा फिर ऐसे सा गैस, मतलब इसको ज़्यादा हाई हीट पे नहीं बनाना, नहीं फिर सॉस खराब, सॉस खराब हो जाता है। सॉस इसके पास के अंदर होना चाहिए, बाहर फैला हुआ, बाहर फैला हुआ नहीं होना चाहिए, राइट शेफ? तो ये तभी होगा जब आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी हीट का, बेसिकली तो लो हीट पे बनाना चाहिए। तो चीज़ हमने डाल दिया, कभी पास से धुआं नहीं निकलना चाहिए बस। हाँ, धुआं निकलने से ज़्यादा फ्लेम हो गया ना। ओके, तो सुन करके मैं देख रहा हूँ यार, क्या मस्त लग रहा है, पूरा हो चुका, बहुत चीज़ चीज़, बट ये मेरा जो शेफ है ना, बच्चा ही रहेगा, सिर्फ नीचे गिरा, कितना चीज़, सब सब कुछ नीचे गिरा दी इस लड़के, कोई नहीं खा लेते, यस कोई बात नहीं। सो ये हो गया, अच्छा गैस हमने लो मीडियम हीट पे रखी हुई है, अब द फाइनल है, और द फाइनल इज दिस इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, यूज नहीं होता, दिस इज ओनली यूज एज अ टॉपिंग, एंड जेनरसली डालो, अच्छा खासा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और गैस ऑफ कर दो क्योंकि ये कुक नहीं होगा, राइट? दिस इज अ टॉपिंग, दिस इज बेसिक फॉर द टॉपिंग, राइट? यस, लाइक सोया सॉस कर दो। ओके, एंड नाउ इट्स डन, दिस इज डन, तो इसे मिक्स अप कभी नहीं करेंगे, बाद में मिक्स ही करना, कैसे अपने आप चलेगा। ओके, अपने आप चलेगा, सो डोंट मिक्स इट गाइस। सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे शेफ की हैं, एक्चुअली मिक्स करते तो बट देखने में अच्छा, देखने में अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज प्रेजेंटेशन बेसिकली, और फिर खाने से पहले अभी यू विल मेक द चेंजेस। तो लगा सर, थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट डिश के ऊपर मिलते हैं। तो ये था हमारा पास्ता, चीज़ी पास्ता, लुक एट द क्लोज़अप, वाओ। ओके, नेक्स्ट डिश इज चिली चिकन समथिंग, चिली चिकन समथिंग। सो इसके अंदर क्या है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, इसके अंदर क्या है, लाल मिर्च, लाल मिर्च, काला नमक, ब्लैक पेपर, यस, विनेगर, विनेगर, तेल, 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 अच्छा रहता है, अच्छा रसली, नमक डाल दिया, हाँ नमक डाल दिया, ये पूरा मैरिनेट करके रख दिया था उसको हाफ एन आवर के लिए, थोड़ा सा हल्दी मिर्च डाल के उसको मैरिनेट कर दिया, और इसके अंदर एक्सप्लोजन आएगा, तो ये इसके अंदर हम थोड़ा डालते हैं। दिस इज डिश इज नेम इज चिकन समथिंग, चिली चिकन समथिंग, तो दैट समथिंग इज बेसिकली द जो भी मेन आउटकम तो निकलेगा, जो भी है मास्टर शेफ इज मेकिंग सम स्किल्स। ओके, मैं थोड़ा सा पीछे हो गया हूँ भाई, तो शेफ ने तेल देकर रखा था ताकि और मैंने बोला कि चलो वीडियो करता हूँ, तो इसने बोला कि नो दिस इज द सीक्रेट सॉस, सो इसने वीडियो करने नहीं दिया, कह रहा जब बना डाल दूंगा उसके बाद आप देखना। हमने सॉस का क्वालिटी इंप्रूव कर दिया, तो सॉस कम था इसे ज्यादा डाला, तो इसने वापस से पॉज करके किया कि मैं दिस विल बी सीक्रेट सॉस। तो चिकन है सिंपली लेंगे पूरा का पूरा, चिकन पूरा का पूरा इसके अंदर, हाँ पूरा था, डबल चम्मच देखिए देखना कैसे कर रहे हैं। तो ये सारा सॉस डाल के हमने कर लिया है इसको, सॉस के अच्छे से कोटिंग देंगे, अच्छा पूरी कोटिंग चाहिए सॉस के अंदर, थोड़ा ग्रेवी टाइप का होगा, ओके हल्का हल्का से ग्रेवी रहेगा, बल्कि हल्का लिटिल बिट ऑफ ग्रेवी, मुझे ग्रेवी चाहिए नहीं था बट हो गया, तो ग्रेवी चाहिए समथिंग, इसलिए ना समथिंग इसलिए कि जो बन जाएगा उसका नाम हम देंगे, राइट? टेस्ट कर सकते हैं लोग, ओके टेस्ट करके शेफ अभी देख रहे हैं, शेफ सबको बनाएंगे, सबसे पहले ना टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा क्या है, गुड, ओह माय गॉड, सो टेस्टी, अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट आई थिंक, अब हो गई तो मैं क्या करूं, एक ही टेबल यूज कर लो, ये देख लो लेकिन बहुत टेस्टी बनाया, चलो भाई हो गया, दिस इज दिस इज डन, वाओ। सो गाइस, सो फाइनल सर्विंग जब होगी then we'll be back again. So this is cheesy pasta on the plate thing with toast, that is a garlic bread basically,
और ये है चिली चिकन विद समथिंग समथिंग विद द सीक्रेट मसालास ऑफ आवर शेफ. सो दिस इज द फाइनल आउटकम. एंड व्हाट अबाउट द टेस्ट? लेट मी जस्ट टेस्ट एंड देन चीयर्स. बाय गॉड, ईशान मस्त है यार. सीरियसली वेरी गुड यार, बहुत टेस्टी बना. दिस चीजी पास्ता इज लिटरली फुल ऑफ चीज. देखो यार, जस्ट लुक एट इट, चीज ही चीज ड्रिप कर रहा है यार. ये वन. तो गाइस, डिश अच्छा लगा, मैं खाते खाते बोल रहा हूँ यार, बहुत टेस्टी है. लोफ बना, अच्छा बना. और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू कमेंट करके बताइए आपको चीज़ी पास्ता ये प्रिपरेशन कैसी लगी. मेरे को बहुत अच्छी लगी एंड डैट इज़ जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ. ईशान ए वन यार, बहुत अच्छा बनाया आज ईशान ने. एंड प्लीज़ डू कमेंट एंड डू लाइक अवर वीडियो एंड डू शेयर दिस शॉर्टकट बेसिकली. और ये बहुत जल्दी बना यार. मैं बताऊँ, पास्ता इट्स टुक ओनली 5 मिनट्स. जस्ट पास्ता बॉइल किया एंड ही मेड द सॉस एंड ऑल डन. तो गाइस, कीप विद अस एंड डू कमेंट ऑन अवर वीडियो कि आपको कैसा लगा. And do subscribe to our channel, Gagan and TV Vlogs. Thank you guys. See you soon.